हाय गाइस, मैं हूँ ज्योति और आज का मेरा टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ सिलेंडर। ठीक है, बाकी सारे पार्ट्स आप आईसी इंजन में पढ़ चुके हैं तो मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी पूछना मुझे एज यूजुअल कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और जो भी आपका राइट हैंड साइड में बेल आइकन दिया उसको हिट करना ना भूलें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचने रहे जस्ट वीडियो अपलोड करने के बाद। तो आज हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले डिज़ाइन ऑफ सिलेंडर। आईसी इंजन का फर्स्ट टॉपिक है ये, वहाँ पांच कंपोनेंट है। मैंने कल बता चुकी हूँ जो लास्ट वीडियो अपलोड किया है कि वहाँ पांच कंपोनेंट है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारे के डिज़ाइन बताऊंगी। तो यहाँ आज मेरा जो टॉपिक है वो डिज़ाइन ऑफ सिलेंडर है। सबसे पहले मैं डाउनलोड सिलेंडर होता क्या है। बेसिकली सिलेंडर क्या करता है, वर्किंग फ्लूइड को रिटेन करता है और पिस्टन के मूवमेंट को गाइड करता है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, ये कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना हुआ होता है और ये हाई टेम्परेचर को वेयर कर सकता है क्योंकि इसके अंदर कंबस्टन होता है। ठीक है, सिंगल सिलेंडर में बेसिकली क्या होता है, एयर कूल्ड होते हैं और जो हमारा मल्टी सिलेंडर होता है उसमें वाटर जैकेट प्रोवाइड की जाती है कूलिंग के लिए। तो ये बेसिक ओवरव्यू हमारा था जो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई भी हैं। ठीक है, जब हम डिज़ाइन ऑफ सिलेंडर करेंगे उसके पहले एक चीज़ आती है सिलेंडर लाइनर। तो सिलेंडर लाइनर क्या होते हैं, जो वेयर होती है सिलेंडर में उसको इसको हम सिलेंडर लाइन को ईजिली रिप्लेस कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट क्या होती है थोड़ी सी कम हो जाती है। तो सिलेंडर लाइनर आपकी दो टाइप की होती है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ड्राई सिलेंडर एंड वेट सिलेंडर। ड्राई सिलेंडर क्या होता है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता हमारे इंजन कूलिंग वाटर के बीच में और हमारे वेट में होता है। नाम से ही वेट मतलब गीला, तो ऑब्वियसली बात है डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, इसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन कंपोनेंट क्या क्या है हमारे सिलेंडर हेड में, चार कंपोनेंट है यहाँ पे, उनको हमको डिज़ाइन करना है, उसकी डिज़ाइन स्टेप बाय स्टेप लिखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या, थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल। जो सिलेंडर वॉल्स होती हैं वो सब्जेक्टेड टू उस पर क्या होता है, गैस प्रेशर और पिस्टन साइड थ्रस्ट अप्लाई होता है। तो जब भाई गैस प्रेशर की वजह से दो स्ट्रेसेस वहाँ डेवलप होती हैं, तो हमारी पहली होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड सेकेंड होती है हमारी सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है बोर एंड लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो बोर जो होता है ये हमारा इनर डायमीटर आता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, बोर को ही हम इनर डायमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सिलेंडर फ्लेंज एंड स्टड्स सिलेंडर हेड। ये चार कंपोनेंट है जिनकी डिज़ाइन यहाँ पे करनी है डिज़ाइन ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर इन चारों से मिलके बना हुआ था। सबसे पहले हमारी डिज़ाइन ऑफ सिलेंडर वॉल्स आती है। सिलेंडर वॉल्स में मैंने पहले ही बोला था कि हमारी जो स्ट्रेसेस होती हैं वो एक्ट करती हैं, दो टाइप की स्ट्रेसेस होती हैं, सर्कमफ्रेंशियल एंड टेंजेंशियल, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारी जो स्ट्रेसेस होती हैं वो 90 डिग्री पे एक्ट करती हैं राइट एंगल पे, जिसकी वजह से हमारे ईस्ट डायरेक्शन में जो नेट स्ट्रेस होती है वो थोड़ी कम लगती है, रिड्यूस्ड होती है। ठीक है, पिस्टन साइड थ्रस्ट क्या होता है, वो हमारे सिलेंडर वॉल्स को बेंड करने की कोशिश करता है। कोई भी चीज़ आप बेंड करने की कोशिश करेंगे, हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली बात बेंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपोजिशन होता है उसका। ठीक है, अपोजिस्ट करती है वॉल उनको, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमारी जो स्ट्रेसेस होती हैं वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होती हैं, स्मॉल अमाउंट होता है उनका, इस वजह से हम स्ट्रेसेस को वहाँ पर नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इसके डिज़ाइन पे। सबसे पहले क्या होता है, लेट अस कंसीडर जो हमने उनके नोटेशन लिए वो क्या क्या है। डी नॉट हमारा आउटसाइड डायमीटर ऑफ सिलेंडर है, हम सारी चीज़ mm में ले रहे हैं। यूनिट पे बेसिक बहुत ध्यान देना है क्योंकि न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा गलती जो होती है वो हमारी यूनिट SI यूनिट में ही होती है। कैपिटल डी ये होता है इनसाइड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। पी होता है मैक्सिमम प्रेशर इनसाइड द इंजन सिलेंडर न्यूटन पर mm स्क्वायर। टी हमारी थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल्स होती है। mm में 1/m होता है पॉइजन रेशियो। ये सारी चीज़ें आपने आईसी इंजन में पढ़ी होंगी, केवल और केवल यहाँ पे फॉर्मूले हमको लिखने हैं। तो सबसे पहले हमारी क्या थी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस थी, जो स्ट्रेस का फॉर्मूला ही होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर 5/4d स्क्वायर इंटू पी डिवाइडेड बाई 5/4d स्क्वायर में कैपिटल डी नॉट स्क्वायर जो आउटसाइड डायमीटर है माइनस इनसाइड डायमीटर। तो कैलकुलेट किया यहाँ पे हमने। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेट होके यहाँ पे आ गया सिग्मा 1 जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस थी, डी स्क्वायर पी डिवाइडेड बाई डी नॉट स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। नेक्स्ट हमारी आती है सर्कमफ्रेंशियल, यहाँ पे हमने इसको सिग्मा सी से डिनोट किया है। एल जो है हमारा लेंथ ऑफ सिलेंडर mm में लिया, तो सिग्मा सी नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया हो गया। तो ये फॉर्मूला हमने ऐसे इंजन में पढ़ा था, नॉर्मल हमने लिखा है, यहाँ पे कैलकुलेट करके हमारी सिग्मा सी की वैल्यू ये आ गई dP डिवाइडेड बाय 2t। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का क्या होता है, जो नेट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होती है वो सिग्मा 1 यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस माइनस सिग्मा सी डिवाइडेड बाय m। 1/m हमारा होता है पॉइजन रेशियो।
ठीक है। नेट सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस होती है हमारी सिग्मा सी माइनस सिग्मा वन अपॉन एम, ये दोनों अपोजिट होती है, जो चीज़ वैल्यू होती है वो यहाँ पे फर्स्ट पुट करते हैं, उसके बाद सेकेंड हमारे यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो जो हमारा थिकनेस ऑफ वॉल्स है ये कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला हमारा डेटा बुक में दिया गया है कि ऑप्टन बाय यूजिंग थिन सिलेंडर फॉर्मूला टी इज इक्वल टू पी इंटू डी डिवाइड बाय सिग्मा सी प्लस सी। तो सिग्मा सी क्या है हमारा, सिग्मा सी जैसे हमने पहले ही बताया था ये सर्कमफेरेंशियल हमारी स्ट्रेस है, ये डिपेंड करती है हमारे साइज एंड मटेरियल ऑफ द सिलेंडर के ऊपर, तो और ये वैरी करती है हमारे 35 मेगा पास्कल से 100 मेगा पास्कल के बीच, और ये जो हमारा डिपेंड करता है मैं बता चुकी हूँ कि मटेरियल और साइज ऑफ द सिलेंडर पर डिपेंड करता है। सी जो हमारा क्या है, वो अलाउंस फॉर बोरिंग है, और सी जो हमारा है वो इंटरनल डायमीटर या साइज ऑफ बोर पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ बोरिंग ठीक है या इंटरनल डायमीटर, दोनों बोथ आर द सेम थिंग। तो हम वहाँ डेटा बुक में दिया है ये चीज़ कि अगर हमारा डायमीटर कितना है तो हमारी कितनी जैसे रहेगी ये, अगर हमारा डायमीटर जैसे है 75 mm तो हमारी सी की वैल्यू 1.5 mm रहेगी। इस तरीके से वैल्यू हम ये डेटा बुक से देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर या साइज ऑफ बोरिंग हमारा बढ़ता है उस तरीके से इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं डेटा बुक में, और काफ़ी सारे फार्मूला दिए हैं जहाँ से हम थिकनेस ऑफ द सिलेंडर वॉल्स निकाल सकते हैं। जैसे कि एक हमारा फार्मूला दिया गया है बाय यूजिंग एम्पेरिकल फार्मूला ठीक है, सिर्फ डेटा बुक में दिया गया है, बस आप मैं सिक्वेंस के हिसाब से बता दे रही हूँ। टी इज इक्वल टू 0.45 डी प्लस 1.6 mm ठीक है, एक ये हो गया। नेक्स्ट हमारा दिया गया है थिकनेस ऑफ ड्राई लाइनर ठीक है, थिकनेस ऑफ ड्राई लाइनर आउटलाइन कर दो क्योंकि हाईलाइट नहीं हो रहा ये चीज़ ठीक है। थिकनेस ऑफ ड्राई लाइनर इसका फॉर्मूला होगा 0.03 डी टू 0.035 डी ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ये डेटा बुक में दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है थिकनेस ऑफ वो वाटर जैकेट वॉल्व, नेक्स्ट हमारा आता है थिकनेस ऑफ वाटर जैकेट वॉल्व ठीक है, तो ये क्या है हमारा 0.032 कैपिटल डी प्लस 1.6 mm और तो ये हो गया हमारा स्मॉल सिलेंडर के लिए ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है वाटर स्पेस बिटवीन आउटर इनर सिलेंडर वॉल्स, तो इसके लिए क्या है हमारा 10 mm फॉर 75 mm सिलेंडर, यानी 10 mm हमारा 75 mm सिलेंडर वॉल के लिए और हमारा 75 mm है 750 mm सिलेंडर के लिए ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं 0.08 डी प्लस 6.5 mm। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट जो हमारा था सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस या थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल जो हमारा फर्स्ट था, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट हमारा आता है बोर एंड लेंथ ऑफ डायमीटर, बोर एंड लेंथ ऑफ सिलेंडर डायमीटर ठीक है। बोर हमारा क्या था, हम फिर से बता रहे हैं यहाँ पे इनर डायमीटर है सिलेंडर का, तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। जितनी भी हम इसमें फॉर्मूले लिख रहे हैं इसकी डिजाइन सारी आईसी इंजन में है, क्योंकि ये जो हमारा आईसी इंजन पार्ट है इसकी कैलकुलेशन, चाहे इसमें हमारे इंडिकेटेड पावर हो या ब्रेक पावर हो, इसकी सारी कैलकुलेशन आईसी इंजन में है। यहाँ पे केवल और केवल हमें फार्मूले का स्टेप्स देखने हैं कि किस स्टेप में हमने कौन से फार्मूले यूज़ किए, तो यहाँ पे ज़्यादा फार्मूले आप लोग प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल की तो याद हो जाएगा, अदरवाइज क्या है इसमें डेटा बुक में दिए गए हुए हैं फार्मूले, कुछ सारे नहीं दिए गए, तो इसलिए ऐसा नहीं कि आप डेटा बुक के भरोसे एग्जाम में चले जाओ, तो नहीं बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, क्योंकि हमारे नोटेशंस और डेटा बुक की नोटेशंस अलग अलग है, या तो आप उनको मैच करा लो या तो आप किसी एक की प्रैक्टिस करो, बस हमारा सीक्वेंस देखो। तो यहाँ पे केवल और केवल हमने सीक्वेंस ऑफ फार्मूले बताए हैं, किस सीक्वेंस में फार्मूले को एडजस्ट किया है और डिजाइन की है ठीक है, सारी फार्मूलों की जो कैलकुलेशन है वो आईसी इंजन में है। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि क्या क्या हमने बता दिया, बोर हमारा इनर डायमीटर और लेंथ ऑफ सिलेंडर हमारी एल हो गई। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं
ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे नोटेशन लिया है, जो हमने कंसिडरेशन लिया है, PM हमारा है इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर न्यूटन पर MM स्क्वायर। यूनिट यहाँ पे ध्यान रखिए, मैंने सभी की यूनिट लिख दी बगल में। डी हमारा जो है कैपिटल डी इस सिलेंडर बोर है, MM है, इन्हें डायमीटर है, सेम थिंग जो मैंने फर्स्ट आपका थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल में कराया था डिजाइन। ए हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है MM स्क्वायर में, जो फॉर्मूला है वो हमारा a π/4 d² सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट एल है लेंथ ऑफ स्ट्रोक, ये हमारी मीटर में दी गई है, इसको हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो सारी चीज़ें हम मीटर में ले आएंगे, इसको भी MM में कन्वर्ट कर लेंगे। एन जो दिया है स्पीड ऑफ इंजन RPM रोटेशन पर मिनट, स्मॉल एम दिया है नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट, तो नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक हमारा 2 स्ट्रोक के इंजन के लिए होता है कैपिटल एन, जो हमारा स्पीड ऑफ इंजन है, और हमारा 4 स्ट्रोक इंजन के लिए होता है कैपिटल N/2, तो ये चीज़ हमारी यहाँ से आएगी, ठीक है। हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी है कि हमारा जो इंडिकेटेड पावर है, ये हमने आईसी इंजन में पढ़ा होगा इंडिकेटेड पावर, इसको लिख लीजिए इंडिकेटेड पावर, सॉरी। तो आईपी हमारा क्या है, PM इंटू एल इंटू ए इंटू स्मॉल एन डिवाइडेड बाय 60, ये वॉट्स में, ये हमने आईसी इंजन में पढ़ा है फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें पता है कि जो हमारा बोर है और जो लेंथ ऑफ स्ट्रोक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जो हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रोक है, ये जनरली हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, तो यहाँ पे लिख दे रही हूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, मैं फिर से कह रही हूँ बिना प्रैक्टिस के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे इस पे, तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक जनरली टेकन एज 1.2D 25D 2D, यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें कुछ सिलेंडर वॉल्स के दोनों साइड में क्लियरेंस होगा, इसलिए लेंथ ऑफ सिलेंडर हम 15% से जो हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रोक है उससे हम ज़्यादा लेंगे, तो लेंथ ऑफ सिलेंडर है वो 15% ज़्यादा लेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रोक में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड क्लियरेंस है, फिर से बता रहे दोनों साइड क्लियरेंस है, इसलिए लिख दे रही हूँ फॉर बोथ साइड क्लियरेंस, साइड क्लियरेंस इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ के लिए, बोथ साइड क्लियरेंस ऑन बोथ साइड ऑफ सिलेंडर, ऑन बोथ साइड ऑफ सिलेंडर सिलेंडर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक या लेंथ ऑफ स्ट्रोक एज 15% ग्रेटर देन दी, लेंथ ऑफ स्ट्रोक 15% ग्रेटर देन दी, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ सिलेंडर इज टेकन एज द 15% ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रोक, या इसको बोल सकते हैं लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ सिलेंडर हम कैपिटल या यहाँ पे लिए ले रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 1.5L, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे कैपिटल एल, लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 1.15L, ये चीज हमारी यहाँ पे हुई क्योंकि बॉक्स के दोनों साइड में क्लियरेंस है इस वजह से। एक छोटा सा नोट है यहाँ पे कि जो हमारा ब्रेक पावर है, पावर डेवलप्ड होती है क्रैंक शाफ्ट पे, तो हमारा ब्रेक पावर एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो NM इसको मैकेनिकल एफिशिएंसी बोल रहे हैं, मैकेनिकल, ये भी आईसी इंजन ने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है आप लोगों ने आईसी इंजन अच्छे से, एफिशिएंसी, अगर आईसी इंजन अच्छे से पढ़ा तो इसमें दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सारे फॉर्मूले क्या हो जाएंगे। तो ये हमारा जो रिलेशन आता है मैकेनिकल एफिशिएंसी का, ये हमारा ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय हमारा होता है इंडिकेटेड पावर, ठीक है, BP इज द ब्रेक पावर, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रही हूँ ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर, ठीक है। एक क्या होता है, जो मैक्सिमम गैस प्रेशर है वो हम 9 to 10 मिनट टाइम्स लेते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर का, ठीक है। जो हमारा क्या है गैस प्रेशर है, प्रेशर
may be taken as PM, या P जो गैस प्रेशर है, may be taken as, may be taken as 9 to 10 times of PM, mean effective pressure का, ठीक है। अब हम आगे कैलकुलेट करेंगे जो हमारा थर्ड स्टेप है, सिलेंडर फ्लेंज एंड स्टेट्स, सिलेंडर फ्लेंज एंड स्टेट्स, ठीक है। जैसे हमारा सिलेंडर फ्लेंज एंड स्टेट्स क्या होते हैं कि जो हमारा सिलेंडर होता है वो अपर हाफ क्या होता है, क्रैंक केस से कवर होता है, ठीक है। तो उसमें विद द हेल्प ऑफ फ्लेंज या स्टड्स या नट बोल्ट्स के थ्रू, तो हमारे जो फ्लेंज की थिकनेस होती है इसको हम क्या लेते हैं, 1.2 T, 1.4 T के हम पहले ही बता चुके हैं थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल, ठीक है, स्मॉल टी, थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल्स, ओके, ये हो गया। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है कि जो क्रैंक केस ऑफ फ्लेंज में क्या होता है, जो डायमीटर ऑफ द स्टेट और बोल्ट्स होते हैं, ये इक्वेटिंग द गैस लोड ड्यू टू मैक्सिमम प्रेशर इन द सिलेंडर, क्योंकि जो हमारा रेजिस्टिंग फोर्स होगा वो सारे जो भी रेजिस्टिंग फोर्स ऑफर्ड होगा ड्यू टू ऑल बोल्ट्स या ये तरीके से, तो क्या होगा हमारा डायमीटर ऑफ द, मैं लिख रही हूँ, तो ये हमें कि डायमीटर ऑफ द स्टड्स और बोल्ट्स में बी ऑप्टेन बाय यूजिंग गैस लोड ड्यू टू द मैक्सिमम प्रेशर इन सिलेंडर रेजिस्टिंग फोर्स ऑफर्ड बाय ऑल द स्टड्स और बोल्ट। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली इसको लिखेंगे पाई बाय 4 कैपिटल डी स्क्वायर इंटू पी इज इक्वल टू एन एस, अभी हम सारे नोटेशन बताएंगे, एन एस इंटू पाई बाय 4 इंटू डी सी का स्क्वायर सिग्मा टी, ठीक है। तो यहाँ काफ़ी सारे नोटेशंस नहीं आई हैं, केवल ये वाला हमारा सिलेंडर बोर डायमीटर है, यहाँ पे नहीं लिखने की ज़रूरत है, इतना पता होगा। पी मैक्सिमम प्रेशर हम पहले ही लिखा चुके हैं यहाँ पे, पी मैक्सिमम प्रेशर ये हमारा क्या होगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एन एस क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स, ये है नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये 0. इनकी वैल्यू लिख दूं मैं, ये वैरी करेंगे, टेकन है 0.01 कैपिटल डी प्लस 4, ये प्लस है 4, टू 0.02 डी प्लस 4, ठीक है। डी सी क्या है हमारा यहाँ पे, डी सी हमारा कोर माइनर डायमीटर है, कोर और माइनर डायमीटर, माइनर डाया, इसको बोल सकते हैं दैट इज डायमीटर ऑफ रूट थ्रेड इन एमएम, ये भी एमएम में ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या आता है, सिग्मा टी जो यहाँ पे ये है, तो ये हमारे अलायबल टेंसाइल स्ट्रेस है, सिग्मा टी हो जाएगा, अभी तक हमने गियर में पढ़ा था अलायबल स्टैटिक स्ट्रेस, यहाँ पे हम टेंसाइल स्ट्रेस पढ़ेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो ये किस मटेरियल पे होता है, स्ट्रेस फॉर द मटेरियल ऑफ स्टड्स और बोल्ट, ये एमएम में होगी, इट में बी टेकन एज जो मैंने आगे बताया था 70 MPa होगी, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तब बताया था, ये वैल्यू यहाँ तक वैरी करेगी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर लीक प्रूफ ज्वाइंट के लिए, फॉर लीक प्रूफ ज्वाइंट इसको मैं फॉर्मूले, ठीक है, फॉर लीक प्रूफ ज्वाइंट क्या हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, जो स्टड और बोल्ट हैं वो किसके बीच में लाई करने चाहिए, स्टड्स और बोल्ट्स शुड लाइज बिटवीन 19 अंडर रूट डी टू 28.5 अंडर रूट डी, वेयर डी क्या है आपका, स्मॉल डी क्या है, एमएम में हो जाएगा, ठीक है। डी हमारा स्टड बोल डायमीटर है, ठीक है, डी है स्टड बोल डायमीटर, मैंने यहाँ पे डी सी लिखा कोर डायमीटर, ये स्टड और बोल डायमीटर, स्टड और बोल्ट डायमीटर, ठीक है।
ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ पर कि किस तरीके से हम यहाँ पर डिज़ाइन किए हैं सारे। लास्ट में जो हमारे आती है वो सिलेंडर हेड की डिज़ाइन है, उसके बाद हम इस पे न्यूमेरिकल अपलोड करेंगे बाद में, पहले हम इतना कंप्लीट कर लें सारी डिटेल, ठीक है। तो सिलेंडर हेड क्या होता है, सिलेंडर हेड हमारा जब आप डायग्राम देखोगे इसके, तो ऊपर से कवर अप टाइप का सेक्शन होता है जो बॉक्स टाइप का बनता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, काफ़ी सारे पैसेज होते हैं जाने के लिए, जिसमें हमारा इनलेट वॉल्व होता है, एग्जॉस्ट वॉल्व होता है, स्पार्क प्लग होता है। ये पेट्रोल इंजन के केस में होता है क्योंकि ये हमारे साइड से जाते हैं, ठीक है। सेंटर पे जो होता है वो डीजल इंजन के केस में होता है इसकी डिजाइनिंग में। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते, जो हमारा सिलेंडर हेड होता है उसको हम एक फ्लैट सर्कुलर प्लेट की तरह कंसीडर करते हैं। तो उसमें थिकनेस टी एच इज द थिकनेस ऑफ सिलेंडर हेड, तो ये हमारा फॉर्मूला है थिकनेस ऑफ सिलेंडर हेड के लिए। यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला है, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसकी, यहाँ पे आपको सिलेबस में थर्ड ईयर बीटेक वालों के लिए है, एक्यूटीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे। तो क्या है हमारा डी, जो है हमारा कैपिटल डी, ये डायमीटर ऑफ बोर है, एज यूजुअल मैं बता चुकी हूँ, फिर से लिख दे रही हूँ, डायमीटर ऑफ बोर, डाया ऑफ बोर, ठीक है। सी क्या था हमारा, कांस्टेंट हुज वैल्यू इज टेकन 0.1, ये कांस्टेंट है हुज वैल्यू 0.1, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पी, सिग्मा सी हमारे यहाँ पे है अलाइबल सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, सिग्मा सी, ठीक है, सिग्मा सी अलाइबल सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। ठीक है, फिर हमारा अलाइबल सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस हो गया, इसकी वैल्यू हम, ये भी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या एमपीए में रहेगा, एमएम स्क्वायर, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगी, 3250 एमपीए, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है हमारा सिलेंडर हेड की डिज़ाइन तक। एक चीज़ मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो लास्ट में मैंने यहाँ पर बताई थी, एक वैल्यू थी जो हमारी थी कि जब हम क्या कहते हैं, जो स्टेट की वैल्यूज जो बोल्ट है पिच उनकी लाई करती है वो 19 अंडर रूट डी इक्वल टू 19 अंडर रूट डी से 28.5 अंडर रूट डी तक वैरी करती है। और यहाँ पे क्या एक चीज़ ये है कि डीपी जो है पिच सर्कल डायमीटर, यहाँ पे जो हम लेंगे पिच सर्कल डायमीटर वो हम लेंगे डी प्लस 3D। ये जो हमारा डी है ये डायमीटर ऑफ बोल्ट या स्टड, डायमीटर ऑफ बोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी थी, मैं बता रही थी अभी कि स्टड ऑफ बोल्ट शुड लाइज बिटवीन, यहाँ से यहाँ तक लाई करते हैं, और जो डायमीटर ऑफ स्टड ऑफ बोल्ट है वही चीज़ यहाँ पे सिलेंडर हेड में भी आपकी आई है, ठीक है। तो पिच सर्कल डायमीटर फॉर सिलेंडर है, ये हमारे फॉर्मूले, ये टी एच है। तो हमारी डिज़ाइन पूरी कंप्लीट हो गई है सिलेंडर की, जिसके चार पार्ट थे, थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल्व एंड जो क्या कहते हैं बोर डायमीटर लेंथ ऑफ सिलेंडर्स, एंड थर्ड था हमारा सिलेंडर फ्लेंज एंड इट्स लास्ट का सिलेंडर हेड। ये सारा वीडियो कंप्लीट हो गया, सारी कैलकुलेशन केवल केवल मैं फिर से बोल रही हूँ, इसमें फॉर्मूले ही याद करने हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, और इसमें कोई भी डिज़ाइन आपके मतलब इनकी कोई भी डेरिवेशन नहीं है फॉर्मूलों की, सिलेबस में डेटा बुक में दिया हुआ है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। जो आपके राइट हैंड साइड में बेल आइकन दिया है उस पर हिट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं भी जैसे भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसके रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। थैंक यू।